गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम आपको मशीन सप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं इन रिलेशन टू अ बुक बाइंडिंग बिजनेस और अ बुक बाइंडिंग शॉप। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.skgraphics.in। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये बुक बाइंडिंग बिजनेस है क्या। व्हाट इज दिस बुक बाइंडिंग बिजनेस? बुक बाइंडिंग बिजनेस कई बार जो बुक स्टॉल्स होते हैं वो सेटअप करते हैं कई सारे रीजनल गांव में, और आजकल कई सारे सिटीज में जो प्रिंटिंग एरिया है उनके आसपास बुक बाइंडिंग के शॉप्स सेटअप होते हैं। बुक बाइंडिंग का जो बिजनेस है कई बार उन्हें पंचिंग शॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास हाइड्रोलिक, बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं और वो पेपर पंच करते हैं, फोल्ड करते हैं, पेपर की कटिंग और क्रीजिंग का भी काम करते हैं, और ये सारे काम जो होते हैं हाइड्रोलिक पंच मशीन में होते हैं। ये एक जॉब वर्क करने का बिजनेस है, ये अपने आप में कोई बिजनेस नहीं है, ये एक जॉब वर्किंग बिजनेस है। यानी कोई दूसरे दुकानदार हैं जो आपके पास आएंगे और आपको अपना प्रिंटेड सामान देंगे, अपनी शीट्स देंगे कि इसकी कटिंग करो, इसकी बाइंडिंग करो, इसकी पंचिंग करो, या इसका कैलेंडर बनाओ, या इसका फलाना फलाना कुछ काम करो। तो अगर ये कोई रिटेल काम नहीं है, ये एक होलसेल काइंड ऑफ बिजनेस है जिसमें आपको सिर्फ जॉब वर्क करना है, आपके पास डायरेक्ट कस्टमर का कोई एक्सपोजर नहीं रहेगा। इस फील्ड में ज्यादातर बल्क काम होता है और पर यूनिट यानी पर शीट या फिर पर काम का आपको अमाउंट या पैसे मिलते हैं। बट अगर ठीक है, और भी कई चीजें हैं इस बिजनेस के बारे में, बट देखते हैं कि कौन सी ऐसी मशीन्स है एक बुक बाइंडिंग शॉप के लिए जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द डेमो, अलॉन्ग विद द डिलीवरी और अलॉन्ग विद द वारंटी एंड गारंटी। इस वीडियो में दिखाए गए सारे मशीन्स एंड आइटम्स हम लोग सप्लाई करते हैं, और हमारी शॉप का नाम है अभिषेक प्रोडक्ट्स और हमारा पुराना नाम था एसके ग्राफिक्स। सो इसमें यहाँ पे हमारे पास आपको मिल जाएगी मैनुअल क्रीजिंग मशीन और इलेक्ट्रिक क्रीजिंग मशीन, हाफ कटिंग एंड परफोरेशन मशीन भी मिल जाएंगे, मैनुअल रिम कटर मिल जाएगा, रोल टू रोल थर्मल लैमिनेशन मशीन, और अगर कैलेंडर इंडस्ट्री में आपका कोई कनेक्शन है या फिर आपका कंपनीज के कोई जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, डायरीज होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जो हर 3 महीने में आती हैं हजारों क्वांटिटी में, वो सारे काम आप इस मशीन में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका यूज कोई बल्क क्वांटिटी का काम है, जैसे हजारों किताबों की बाइंडिंग करना हो, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक स्पाइरल बाइंडिंग मशीन भी है और इलेक्ट्रिक वायरो बाइंडिंग मशीन भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आजकल कॉर्नर कटर का बहुत चलन है, जैसे प्रिंट लाइन में विजिटिंग कार्ड अनगिनत क्वांटिटी में प्रिंट होते हैं और बहुत ही कॉम्पिटिशन वाला फील्ड है। इसी फील्ड में अगर विजिटिंग कार्ड को आप कॉर्नर कटिंग करके देंगे तो आपका मार्जिन और आपका प्रॉफिट उसी हिसाब से इंक्रीज भी होगा। तो हमारे पास ऐसी कॉर्नर कटिंग मशीन है जो विजिटिंग कार्ड भी कट करती है, पूरी की पूरी किताब भी कट कर देंगी, और गोल्ड फॉइल मशीन भी है हमारे पास जो कि डिजिटल लेजर प्रिंटर के टोनर के साथ कंपैटिबल है। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अभी तक, तो ये सारी जो मशीन मैं बता रहा हूँ इनमें से कुछ मैनुअल है और कुछ एक बेसिक इलेक्ट्रिक मॉडल की मशीनें हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे, स्लाइड्स में आप देखेंगे, इसमें से कोई हाइड्रोलिक मशीन नहीं है। द रीजन बीइंग हम लोगों के यहाँ पे एक ऐसे सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं जो हमारे देश का गाँव है। इंडिया में बहुत सारे गाँव है, जिला है, तालुका है, वहां पे इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है कि वो कस्टमर्स हमारे लाखों का इन्वेस्टमेंट करे और वहाँ हाइड्रोलिक मशीन सेटअप करें, ना ही उतनी वहाँ पे डिमांड है, ना ही उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे मैनुअल और इलेक्ट्रिक मशीन लेके आए हैं, ताकि वहाँ जो छोटी डिमांड है या फिर एक जो बेसिक एवरेज डिमांड है वो भी एक कम इन्वेस्टमेंट में आप उसे कैटर कर सकें और उससे आप अपना बिजनेस से पैसे कमा सकें। साथ ही साथ एक और चीज जो सिटीज के अंदर, जैसे हैदराबाद हो गया, यहाँ अनगिनत हाइड्रोलिक मशीन लगी है, हर एक एरिया में एक हाइड्रोलिक मशीन है जहाँ कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। उस केस में क्या होता है, जब आपकी हाइड्रोलिक मशीन आप चला रहे हो और आपका कोई बड़ा काम आया हुआ है 10,000 शीट्स का या 15,000 शीट का या कुछ दूसरी बाइंडिंग का काम चल रहा है, तो उस हाइड्रोलिक मशीन को बीच में रोकना पॉसिबल नहीं है। जब तक वो काम खत्म नहीं होता तब तक वो मशीन चलती ही रहती है। इसके दौरान आपका कोई दूसरा कस्टमर आ जाए और वो कहे, भैया ये रहे मेरे 100 विजिटिंग कार्ड, ये रहे मेरे कुछ इतने कार्ड, इनका मुझे इतना काम है, ये कर दीजिए,
तो आप उस वक्त उस कस्टमर को मना कर देते हैं कि भैया अभी मेरा ये काम चल रहा है, मैं दूसरा काम नहीं उठा सकता, आप 3-4 घंटे बाद आओ, तब तक मैं काम रेडी करके रखता हूँ। बट सभी आजकल बिजी रहते हैं और किसी के पास पेशेंस है नहीं, कस्टमर बुरा मान जाते हैं कई बार इस बातों का, और वो कहते हैं कि यार मैं रेगुलर आता हूँ तो मेरे लिए एक काम नहीं कर सकते, एंड नोकझोंक हो जाती है कस्टमर के साथ। तो इस केस में आप ये छोटी मशीनें रख सकते हैं अपने ऑफिस में, और जितने भी सैंपल्स के काम आए, जितने भी छोटे मोटे रन्स आए या छोटे ऑर्डर्स आए, वो सारे काम आप इन मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आपको मैं मशीन्स दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक रिम कटर, इसमें एट अ टाइम 500 पेज कट जाएंगे या फिर 300 जीएसएम के 40 से 50 पेपर कट जाएंगे। अगर फोटो स्टूडियो के कस्टमर आपके पास हो तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा एल्बम कटिंग कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड कटिंग कर सकते हैं, बुक्स की कटिंग कर सकते हैं, पेपर्स की कटिंग कर सकते हैं। एंड काफी छोटी सी मशीन है, आपको कोई बड़ी हाइड्रोलिक की जो पेपर कटिंग मशीन रहती है 24 इंचेस की, अगर वो आपकी मशीन ऑलरेडी लगी हुई है और आपको छोटे मोटे काम इस मशीन में करने हैं तो आप डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं। अगर आपका कोई गांव, जिला या तालुका है या फिर कोई छोटा जेरोक्स का शॉप है, वहां आपका बुक बाइंडिंग के साथ साथ आप जेरोक्स का भी काम कर रहे हैं तो ये मशीन भी आपके काम आएगी। अनदर थिंग इज 18 इंच मैनुअल क्रीजिंग मशीन। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैनुअल मशीन में ही फिनिशिंग आते हैं, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक सक्शन मशीन में भी उतनी फिनिशिंग नहीं आती। ऐसा एक पेक्यूलियर केस है हमारी मैनुअल क्रीजिंग मशीन का। कई बार जो लेजर प्रिंटर में या डिजिटल प्रिंटिंग में जो प्रिंट होता है वो टोनर बेस्ड होता है, और जब आप उसे इलेक्ट्रिक मशीन में क्रीजिंग करते हैं तो उसकी टोनर की जो लाइन होती है वो उखड़ जाती है, और इस केस में उसका काम परफेक्टली होता है सिर्फ और सिर्फ मैनुअल क्रीजिंग मशीन में। और ये है हमारी मैनुअल क्रीजिंग मशीन जो कि पूरे 18 इंच तक की क्रीजिंग करती है इस तरफ यहाँ पे, और इसकी ब्लेड भी फ्यूचर में आप चेंज कर सकते हैं, इट इज नॉट अ यूज एंड थ्रो मशीन। इसकी ब्लेड्स भी हम लोग सप्लाई करते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल एंड हैवी ड्यूटी मशीन। तो ये मशीन आपके गाँव में और हमारे सिटीज में दोनों जगह ही काम आ जाएगी। और क्रीजिंग, जिसको ना पता हो, क्रीजिंग का मतलब होता है पेपर फोल्ड करने का एक लाइन देना। ये हमारी रोल टू रोल थर्मल लैमिनेशन मशीन। जनरली रोल टू रोल थर्मल लैमिनेशन मशीन काफी बड़ी होती है, बट ये हमने एक छोटा मॉडल बनाया है, एंड इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल है और स्पीड कंट्रोल है। यहाँ ऊपर एक रोलर लगता है और नीचे एक रोलर लगता है। जितने भी डिजिटल शॉप्स होते हैं डिजिटल प्रिंट्स के, वहां पे कभी 50 प्रिंट निकलते हैं, 100 प्रिंट निकलते हैं, और उन्हें लैमिनेशन की बहुत जरूरत होती है, और वो बड़ी मशीन में कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे मिनिमम क्वांटिटी होती है 1000 पीस या 10,000 पीस, तभी जाके उनकी कॉस्टिंग डाउन आती है। तो इस केस में आप ये एक मशीन रख सकते हैं, एक छोटी मशीन है जो आपकी टेबल पे भी फिट हो जाएगी, और आप कस्टमर को उनकी कम क्वांटिटी के लिए थोड़ा ज्यादा रेट चार्ज कर सकते हैं, पर सर्विस और डिलीवरी आप उन्हें फास्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से कस्टमर आपसे जुड़े हुए भी रहेंगे, बड़ी क्वांटिटी और छोटी क्वांटिटी दोनों के लिए ही। अगर स्टिकर्स का एक काफी बड़ा मार्केट है आजकल हर जगह पे, तो ये स्टिकर कटिंग मशीन है। यहाँ पे स्टिकर कटिंग की 12 ब्लेड्स दी गई है, और ये 13-19 का पेपर आराम से अंदर आप इस तरह डाल सकते हैं। इसमें ऑटो फीड नहीं है, इसमें फीडिंग आपको मैनुअल करनी है, और एक काफी कॉम्पैक्ट बॉडी के अंदर काफी सारे फंक्शंस इसमें दिए गए हैं, जैसे 12 हाफ कटिंग और 2 क्रीजिंग। तो और ये बाय द वे इलेक्ट्रिक से चलती है, यहाँ इसका इलेक्ट्रिक मोटर इस तरफ यहाँ अंदर लगा हुआ है, तो ये मशीन भी आपके काफी काम आ सकती है। और ये एक वर्सेटाइल मशीन है सैम्पलिंग के काम को फोकस रखते हुए। इसमें आप 2 क्रीजिंग कर सकते हैं और 1 हाफ कटिंग कर सकते हैं और 1 परफोरेशन भी कर सकते हैं। और ये बेसिकली मशीन का टारगेट ही ये है कि जो सैम्पलिंग का किसी को काम हो या फिर कोई छोटे रन्स करने हो, 100 पेज, 150 पेज, 200 पेज, क्रीजिंग, हाफ कटिंग या परफोरेशन, ये मशीन उसी के मद्देनजर बनाई गई हुई है, और इस मशीन का मेन फोकस ही वो है। एंड अगेन ये हमारी एक 2-in-1 स्पायरल एंड वारो बाइंडिंग मशीन है। अगर आपके पास कोई कंपनीज का काम है जहाँ हर 3 महीने में एनुअल रिपोर्ट, हर 3 महीने में क्वार्टर रिपोर्ट्स बनती हो, या फिर हर साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट्स बनती हो, जितनी भी आजकल शेयर मार्केट की कंपनीज होती है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन होते हैं, तो वहाँ बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में रिपोर्ट्स प्रिंट होती है, और आपके पास कोई एक कंपनी या 2 कंपनी भी आ जाए आपके कनेक्शन में इस बाइंडिंग के काम को लेके, तो आप पूरे महीने बिजी बिजी रहेंगे। तो ऐसे कई सारे बड़े जॉब्स भी होते हैं, साथ ही साथ छोटे जॉब्स भी होते हैं, जैसे स्कूल्स का आप काम पकड़ लें, कंपनियों का काम पकड़ लें जहाँ वो अपनी अपनी सो एंड सो रिपोर्ट्स
रहती हैं या डायरीज रहती हैं या वगैरह न्यू ईयर के कैलेंडर्स रहते हैं, वैसे प्रिंट होते रहते हैं, चलता रहता है। ये भी एक काइंड ऑफ सदाबहार बिजनेस है। इसका मेन पीक सीजन तो न्यू ईयर के दौरान ही है। नेक्स्ट मशीन है हमारी ये कॉर्नर कटिंग मशीन। ये जो कॉर्नर कटिंग मशीन है ये अप टू 200 पेज तक पेपर काट देती है, 70 जीएसएम का पेपर। पेज का मतलब होता है 170 जीएसएम का पेज पेपर। एंड आप इसमें चाहे तो विजिटिंग कार्ड काटिए, पूरी की पूरी किताब काटिए, और कस्टमर को जब आप पूरी बुक को भी राउंड कॉर्नर कटिंग करके दें तो अगले साल भी वो वापस आपके पास ही आएगा किताब बनाने के लिए, क्योंकि वो मार्केट ढूंढेगा और उसे कॉर्नर कटिंग करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। नॉर्मल कटिंग और बाइंडिंग तो हर जगह होती है। आप अपने बिजनेस में अगर कुछ ऐसा रखें जो सबसे अलग है तो जरूर आपकी नजर कस्टमर की नजरों में आप बार बार आते रहेंगे। ये हमारी गोल्ड फॉइल फ्यूजिंग मशीन। ये काइंड ऑफ हैवी ड्यूटी मशीन है। एक दिन में कम से कम 9,500 तक आप गोल्ड फॉलिंग कर सकते हो A4 साइज का। अगेन ये एक रोल टू रोल मशीन है। ऊपर की तरफ नया रोल लगता है और पीछे की तरफ पुराना रोल रोल रिवर्स रोटेट होता रहता है। और यहाँ से आपको अपना लेजर प्रिंटेड पेपर पुश करना है। लेजर प्रिंटेड यानी डिजिटल प्रिंटेड, जो पाउडर बेस्ड प्रिंटिंग होता है उसे लेजर प्रिंटिंग कहते हैं। ये हैवी ड्यूटी मशीन है, इलेक्ट्रिक स्पाइरल बाइंडिंग मशीन है। इसका एक और मॉडिफिकेशन करके हम इसे इलेक्ट्रिक स्पाइरल बाइंडिंग वायरो बाइंडिंग भी बना सकते हैं। इसमें एक लेग का पेडल रहता है और इलेक्ट्रिक से 1 हॉर्स पावर का मोटर इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान जितनी भी मैंने आपको मशीन्स दिखाई हैं, इन सारे मशीन्स के डिटेल्ड वीडियो हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोडेड हैं और हमारी वेबसाइट पे भी अपलोडेड हैं। और इनमें से कोई भी किसी भी मशीन का आपको रिक्वायरमेंट हो, डिमांड हो, तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या नीचे दिए गए इस नंबर पे। एंड इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। हमारे प्रोडक्ट की सीरीज चल रही है इस वक्त। ये हमारी सीरीज का 5वां वीडियो है ऑन हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन डिफरेंट कैटेगरीज। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपके पास कोई और दूसरे टेक्निकल डाउट हो जो हमारे हम दूर कर सके तो हम उसे ज़रूर एंटरटेन करेंगे। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें किसी भी प्रोडक्ट के ऑर्डर के लिए मैसेज कर सकते हैं। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। थैंक यू एवरीवन।